जयपुर से जहां पर प्रवास से पहले नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। बासागुड़ा थाने के तरेंज से में सुबह ब्लास्ट किया गया एरिया डेमिनेशन पर निकली थी पार्टी। सीआरपीएफ 168 बटालियन का जवान आया ब्लास्ट की जद में। सीआरपीएफ का जवान मुन्ना कुमार की पैर में चोट भी लगी। घायल जवान का बासागुड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। जवान खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एसपी दिव्यांग पटेल ने पुष्टि की है। तो नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, बीजापुर से आपको खबर बता रहे हैं। बासागुड़ा थाने के तर्रे में ये ब्लास्ट किया गया है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान भी घायल हुआ है। बासागुड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज अभी जारी है। एसपी दिव्यांग पटेल ने ये पुष्टि की है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ पूरी जानकारी? माओवादग्रस्त इलाका है, वहाँ पे सीआरपीएफ 168 बटालियन की जो है वो वहाँ पे तैनात की गई थी। एरिया डोमिनेशन पे निकलते हुए इससे पहले भी कई घटनाएं हुई थी। आज सुबह 8 बजे के आसपास एरिया डोमिनेशन पे पार्टी निकली थी, जो जिसमें एक जवान मुन्ना कुमार वो आईडी के जद में आ गया है। उनकी जो एंकल है, हेडी है, वो उसमें फ्रैक्चर हुआ है और उस जवान को अभी बासागुड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहाँ पे उनका इलाज किया जा रहा है। और एसपी से हमारी बात थी, उनका कहना था कि जवान खतरे से बाहर है। आपको बताना चाहूंगा ऋतु, सीएम का प्रवास है कल बीजापुर में। जब भी ऐसे बड़े मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का प्रवास जिले में होता है तो माओवादी अपनी आमद दिखाने के लिए इस तरीके के ब्लास्ट करते हैं। और वो जो इलाका जहाँ पे आज ब्लास्ट हुआ है, उधर लगातार एरिया डोमिनेशन पर निकली पार्टी को माओवादी आईडी के माओवादियों के द्वारा लगाई गई आईडी की जद में आते रहे हैं, वो घायल होते रहे हैं। और डमी बम के सहारे भी, मानव बम बना के भी, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भवन उस जानकारी को साझा करने के लिए। और अशोकनगर के पिछाड़ी